रजवाहे कंडे बैठिया जहरीले सप का आना श्री गुरु नानक देव जी के प्रतख दर्शन होने। हर रोज़ की तरह उस रजवाहे के कंडे बैठे आप जी प्रभु बंदगी प्रभु सिमरन लीन सन कि थोड़ी दूर तो सुके पत्तिया का खड़ाक सुनाई दिता। चंद की चाननी सी की देखिया कि एक भूरे पीले रंग का कोई 2 फुट लंबा सप जो अद्धा खड़ा होकर तुरदा सी अते थोड़ा तुर के 2-2.5 फुट छाल मार के अगे वधदा आप जी वल आ रहा सी। देखद्या देखद्या उसने 4 वार छाल मारी। आप जी ने दसिया कि साढ़े मन में सोच फुरी कि सप ने जो हूँ छाल मारनी है वह सीधी साढ़े उपर मारेगा। उस वेले मन में घबराहट की थां ते विचार आई कि इस सप विच भी परमेशर ही वसदा है ना, शायद गुरु महाराज जी ने यह परखण वास्ते ही इस नूं भेजिया होवे कि हरनाम सिंह नूं शरीर नाल किन्ना कु मोह है। यह विचार आउंदिया ही मन एकदम अडोल हो गया ते सचमुच ही जदों उस सप ने अखीरली छाल मारी तां नेड़े जो पैरां तों जोड़ा ला के रख्या सी उस उपर डिग्गिया अते जोड़े उपर लम्मा पै गया। आप दे देखद्यां देखद्यां उस सप ने जो उस इलाके विच बहुत जहरीला मनिया जांदा सी जमीन उपर सिरी ला के बाबा जी दे कथन अनुसार उन्हां दे चारे पासे परिक्रमा करन वांग फेरी दित्ती अते जिस पासे वलों आया सी उसे पासे नूं छिड़पे मारदा तुर गया। यह कौतक देख के साडा मन गुरु शुकराने विच द्रव गया ते सतगुरु जी दे धन्नवाद विच सतगुरु जी दे शुकराने विच रोम रोम गद गद हो गया कि धन हन सतगुरु जी जो अजिहे जहरीले जीवां दे मन विच वस अपने दासां दी रक्षा करदे हन। मन सतगुरु जी दे शुकराने विच भिज्जा पिया सी अते अंदर सिमरन दी रौं अपने पूरे जोबन विच चल रही सी। थोड़े चिर विच ही इंज महसूस होया कि सारे प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। इन्ना रस इन्नी शांति आत्मा माण रही सी जो दसी नहीं जा सकती। आप जी इसे प्रकाश विच ही ध्यान लीन सन अते सिमरन हो रहा सी। प्रकाश होर वधिया। धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब पातशाह ने मेहरां कीतियां अपने प्रतख दर्शन बख्शिश कीते अते अपना पावन पवित्र हाथ बाबा जी दे सिर उपर रखिया। हुण इंज महसूस हुंदा सी कि सतगुरु जी अंदर भी हन ते बाहर भी प्रतख रूप विच दर्शन दे रहे हन अते मेहर करके अपना हाथ सिर उपर रखिया होया है। बस फिर की सी, सतगुरु सूरमे ने हुण तां रहिंदे भरम दे शौड़ भी कट दित्ते। बस आनंद ही आनंद, खेड़ा ही खेड़ा, मंगल ही मंगल, खुशी का कोई पारावार ही नहीं सी। बाबा कबीर जी दे कथन अनुसार कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। उस आनंद नु दस्या नहीं जा सकता, केवल माणिया जा अनुभव ही किया जा सकता है। जिवें भगत कबीर जी का वचन है ना कि कहो कबीर गुंगा गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए, तथा कबीर देख कै के कहो कहे न को पति आए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुण गाए। इसे आनंदी मौज विच इसे आनंदी आनंद विच पता नहीं कदों सतगुरु जी के दर्शन अलोप होए। पता उदों लगा जदों तड़कसार रेल गड्डी लंघी, उहदे खड़ाक ने सुरत नूं बाहर मुखी कीता, पर ठंड स्वाद रस अते प्रकाश उसे तरह ही रहा। इसे आनंद नूं होर माणिया बहुती धुप होण ते तकरीबन 11 वजे वापस मुड़ डेरे पुजे। थोड़ा जल पानी छकिया फिर उसे जगह आके अपने निजम अनुसार प्रभु चरणा विच सुरत जोड़न दा जतन कीता। रास्ता सी, सिमरन भी चलदा सी, पर जो सतगुरु जी ने रात बख्शिशां कीतियां सन उन्हां विच थोड़ा जिहा फर्क सी। लेकिन सतगुरु जी हुण नाल ही हाजर नाजर भासदे सन, अंदर अते बाहर प्रकाश ही प्रकाश सी। रात दा समां होया, रात दे घुप हनेरे विच भी उस प्रकाश दा इन्ना चानण सी, इन्नी रोशनी सी जिवें कि कई सूरजां दा प्रकाश इकट्ठा होया होवे। इस बाहरी प्रकाश तों बाबा जी दे मन विच चिंता बन गई।
कि इस प्रकाश नूं वेख के लोग मेरी मनौत करन लग पैणगे ते मन विच फिर माण पैदा हो जाएगा, जिस कारण किते बाबा कबीर जी का कथन ही साकार ना हो जावे कि कबीर साहब ने जो बचन कीता है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंग 1369 उपर अंकित है कि चाले थे हर मिलन कौ बीचै अटक्यो चीत। इस करके गुरु चरणा विच अरदास कीती कि हे गरीब नवाज जीओ, कृपा करके इस बाहरी प्रकाश नूं संकोच लवो। फिर बाबा जी ने गुरु चरणा विच अरदास कीती कि हे गरीब नवाज जी, कृपा करके ये जो बाहरी प्रकाश है इस नूं संकोच लवो, अंतर आत्मे अपने चरणा नाल जोड़ी रखो, उस आनंद नूं होर दूण सवाया करो। सतगुरु जी ने अरदास सुनन उपरंत बाहरी प्रकाश संकोच के अंदरूनी बख्शिशां निरंतर जारी रखियां।